हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं, मेरा एक स्टूडेंट है रांची का, संजय वर्मा। उसका फर्स्ट कल्चर स्टार्ट होने वाला है, टेस्टिंग यूनिट। टेस्ट करने के लिए 5000 लीटर का 2 टैंक बनाया, तो उसने जो मछली मंगाया वो मछली कैसा है और जो मछली भेजा कैसा मछली भेजा है और उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन किया। और ट्रेनिंग करने का बाद संजय वर्मा को जो जो सिखाने गया था वो अच्छे से किया कि नहीं किया, क्या गलती किया और कैसे सब कुछ कंप्लीट किया और आगे उसका फेलियर और सक्सेस कैसा रहेगा, इसको लेके आज से मैं वीडियो लाऊंगा। तो पहले आज देख लेता है, मैं जो बोलता हूं ना पहले से, आप लो डेंसिटी में मछली लेके आइए, उसके लिए मोर्टालिटी कम होता है और मछली अच्छा पहुंचता है। आपका शिपिंग चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, मतलब 10 पैकेट में जो मछली जाना चाहिए वो आप 12 पैकेट के 13 पैकेट में लीजिए, वो सही रहता है। तो पहले चलिए देख लेते हैं और उसका देखते देखते मैं बात करता हूं कैसे हुआ। ये जो मछली का वीडियो है, ये रांची स्टेशन पहुंचाने का मतलब जाने का बाद का वीडियो है। मछली देख के लग रहा है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तंदुरुस्त है और बहुत ही ताजा लग रहा है। तो यही अच्छा है, आपको लो डेंसिटी में मछली मंगाइए। एक एक पैकेट आपका 700 पीस का था, तो बढ़िया क्वालिटी का मछली है। मगर संजय वर्मा एक तो गलती कर दिया, तुम पोटेशियम डाल के इसको अच्छे से धुलाई करके फेस वाटर में धोने के बाद यहाँ छोड़ना चाहिए था। चलो ठीक है, थोड़ा सा पोटेशियम चला जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका ग्रोथ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो आगे देखता है बाकी सब भी ऐसा किया कि नहीं किया, क्योंकि उसको बोला गया था पहले हल्दी नमक का जो पानी है उसमें डालिए 15 सेकेंड, उसका बाद पोटेशियम का पानी में डालिए 15 सेकेंड, उसका बाद फ्रेश वाटर में 30 सेकेंड देन उसको दिखता है। ठीक है, बाल्टी लिया, उसका बाद एक चुबड़ी लिया, उसमें मछली को डाल दिया, उसके पहले 1 घंटा वो टेम्परेचर सेट कर लिया था। ठीक है, यहां तक तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, देखा जा दिखता है इसका पेचे क्या करता है। मछली तो सही है, अच्छा उसका बाद हल्दी या नमक पानी में देना चाहिए। चलो ठीक है, और मिनिमम 15 सेकेंड रखना है। हाँ 15 सेकेंड हो गया, नहीं ठीक से किया है। इसका बाद पोटेशियम में, चलो ठीक है, मतलब संजय वर्मा को जो जो सिखा बोला गया था तो वो उन्हें अच्छे से किया है। इसका बाद फ्रेश वाटर में डालना है 30 सेकेंड के लिए। चलो ठीक है, नहीं सब कुछ ठीक से ही किया है। तो इसीलिए बोलता हूं आप जब भी मछली मंगाइए, मछली को थोड़ा लो डेंसिटी में मछली मंगाइए, उसमें क्या होगा थोड़ा बहुत आपका शिपिंग चार्ज ज्यादा जाएगा। बट फ्रीज देखिए, वेस्ट बंगाल से फ्रीज गया है तो एकदम रांची तक पहुंच गया, तो शाम को 8 बजे छोड़ा है। तो मछली देखिए कितना अच्छा तंदुरुस्त मछली है और इसका मूवमेंट देखिए, तो मछली का मूवमेंट देख के पता चल जाता है वो कैसा है। तो आप जब भी सीट आपको लेना है, आप थोड़ा सा 10 पैसा 20 पैसा ज्यादा लगे उसको अच्छे सीट लीजिए, और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम आप थोड़ा सा ज्यादा वहां पे खर्चा कीजिए, मतलब 10 बॉक्स का जगह में आप 12 बॉक्स लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आगे वाला कल्चर में आपको बहुत अच्छा होगा, मछली का मोर्टेलिटी नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगा। तो आगे भी देखता है मछली छोड़ने का बाद कैसे घूम रहा है, बढ़िया है सब ठीक है एकदम। एक बार फ्रॉग नहीं है, ये नॉर्मल वाटर में स्टोर किया है और
इसका अपडेट 3 दिन छोड़ के मैं अपडेट दूंगा, इसका मछली का मोर्टालिटी कितना हुआ है, इसका ग्रोथ कितना हो रहा है और इसका फेल्योर और सक्सेस लेके आगे वीडियो लेके रहूंगा। तो संजय वर्मा तुम आगे बढ़ो, हम और हमारा टीम, तुम्हारा जितना फ्रेंड्स है एक साथ ट्रेनिंग लेता सब तुम्हारा साथ है, ठीक है। आप ऐसे एक साथ में रहिए, जो भी आपका बायोफॉक का अगर कुछ प्रॉब्लम आए उसको लेकर आप कमेंट कीजिए और नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो उसका सलूशन मैं बता दूंगा। थैंक यू।